तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत में शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। बैरिस्टर गोहर अली खान की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और सरदार अयाज़ सादिक को स्पीकर कौमी असेंबली का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मंतक को समझते हैं ना मानते हैं। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को ख़तरे में ना डालो। नवाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। सदर मुमलिकत ने दो बार आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। नौमई में मुलविस लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए। नौमई को तो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं बाकी प्लेयर्स भी हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगु। सुनी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार, नहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, आपके वकील ने भी ये कहा था कि इंतखाबी शान नहीं होगा तो मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, पीपल्स पार्टी ने सुने इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने की मुखालिफत कर दी। अगर पहले से फहरिस्त नहीं दी तो मखसूस नशस्तें नहीं बनती। फारूक एच नाइक के दलाइल, JUIFA भी सुने इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने के मुखालिफ। सुने इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। वकील कामरान मुर्तजा का मौकफ, आज़ाद उम्मीदवारों को कोटा देने का कानून नहीं, कानून के मुताबिक ही सियासी जमातों में मखसूस नशस्तों का कोटा तकसीम होगा। मुस्लिम लीग नून के वकील सेनेटर आज़म नजीर तारड़ के दलाइल, किसी को अपनी सीटें हथियाने नहीं देंगे। हमारे नशस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चाहते हैं कि हमें जो मखसूस नशस्तें मिली हैं वो ये खुद में तकसीम कर लें। मखसूस नशस्तें खैरात नहीं, हमारा आईनी हक है। उम्मीद है आइन कानून के मुताबिक फैसला होगा। आयन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगु। इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। हमारी मखसूस नशस्तें जल्द दी जाएँ, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन को सुने इत्तेहाद काउंसिल का लिखा खत भी मंजर आम पर आ गया। सुने इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 206 पर अमल दरामद से मुतालिक खत का जवाब दिया। सुने इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर किसी उम्मीदवार ने इंतखाब नहीं लड़ा। जनरल नशस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। खत का मतन, सेक्शन 206 सियासी जमातों को जनरल नशस्तों पर खवातीन को 5% टिकट देने का पाबंद है। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी पार्टियों को खत लिखता है। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 206 के मुताबिक जवाब दिया जाए। जवाब में हमने जनरल इलेक्शन से मुतालिक 5% कोटे की बात की। हमारा खत और जवाब को गलत रंग दिया गया। ये खत 5% कोटे से मुतालिक था जिसका मखसूस नशस्तों से ताल्लुक नहीं। सरबरा सुनी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगु। बलोच तलबा बाजियाबी केस, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर दाखिला गोहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, लोगों के हकूक के खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहां आकर इस बात को कन्फर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हकूक की बात की जाए तो इसमें एक हक जीने का भी है।
नॉन स्टेट एक्टर्स आम शहरियों को मार रहे हैं। जस्टिस मस्कानजाई को नमाज की हालत में शहीद किया गया। निगरान वजीर आजम का इजहार ख्याल। 26 समातों के बाद हमें पता चला कि 9 बंदे CTD के पास हैं। बलूचिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। कितने लोगों का ट्रायल चलाया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जो लोग हथियार उठा लेते हैं उनके लिए और रियासत के गैर मुसल्ह शहरियों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। 90,000 शहरी दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद हुए, इसके बरक्स 90 दहशतगर्दों को भी सजाएं नहीं मिल सके। निगरान वजीर आजम का मौकिफ। अदालत ने जो कमेटी तश्कील दी उसकी रिपोर्ट जमा करा दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। केस की समाअत मुलतवी। आर्मी चीफ से ASP सईदा शहरवानो नकवी की मुलाकात। जनरल आसिम अली ने पेशावराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। पाकिस्तानी खातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। जिंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी खातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। तहफ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मुस्बत जमहूरी तारीख कायम कर दी। खुद चलकर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। चाहती थी इंतखाब के दिन आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वजीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। मरियम नवाज की गुफ्तगू। राना आफ्ताब अहमद खान ने आमद पर वजीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज अदा करूँगी। मुखालिफीन को गलत साबित करूँगी। मुखालिफीन को समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। मरियम नवाज स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर इस्तेदार पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब असम्बली ने 1 माह के अखराज की मंजूरी दे दी। 31 मार्च तक 358 अरब रुपए की तहरीक की मंजूरी दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। हमने अपने 10 निकात पर अमल और पानी के मसले पर काम करना है। जिस हिसाब से हमें मैंडेट मिला है उस हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी भी हमें मिली है। 2008 के मुकाबले में 2024 में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। हर हुकूमत की तरजीह अमन अमान होती है। सिंध के आवाम देख रहे हैं मुश्किलात में कानून के साथ खड़ा है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाए और फातिहानी की। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 57 अरकान ने हल्फ उठाया। प्रिजाइडिंग अफसर जमरा खान अचकजई ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। सादिक संजरानी, सरफराज बुकटी, जाम कमाल और सरदार अख्तर बेंगल ने हल्फ नहीं उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। नून लीग की जानब से अब्दुल खालिक अचकजई को स्पीकर नामजद किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का खातून रुकन गजाला गोला को डिप्टी स्पीकर बनाने पर गौर। पख्तूनख्वा असेंबली के 116 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 87 JUIF 9 नून लीग के 8 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 5, PTIP के 2, ANP के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। 4 आज़ाद उम्मीदवार ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर के 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। हल्फ उठाने के बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। इजलास के आगाज़ पर दहशतगर्दी के वाकयात में शहदा के लिए खसूसी दुआ की गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के लिए पहला इजलास। ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथरा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब से कूड़ा क्रिकेट की सफाई का टास्क दे दिया। टूटी गलियों और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। 1 माह की मोहलत है, इसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
बलोचिस्तान के सहली शहर गवादर में तूफानी बारिश के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद, निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर, बिजली की फराह में मुअत्तल, कई इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। लोग घरों में महसूर, गवादर में अब तक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवादर को अब तक आफतज़दा करार नहीं दिया गया, नुकसान का जायजा ले रहे हैं। 250 के करीब अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। निकासी आपके लिए, पाक आर्मी, पाक नेवी और दीगर समाजी इदारे तआवुन कर रहे हैं। जर्नी में 80 के करीब बोट्स को नुकसान पहुंचा। कल से 1 मार्च तक बारिश का दूसरा स्पेल आने वाला है और माड़ा और पस्नी में मजीद तेज बारिशों का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर गवादर की मीडिया टॉक।